क्रय शक्ति बढ़ रही है आदमी की जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो महंगाई निश्चित है कि बढ़ेगी जो लोग पहले गरीब थे बहुत सस्ताई थी लोग कहते हैं लेकिन खाने को नहीं मिलता था तो आदमी की जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी और हर सरकार में बढ़ेगी कोई इसको कम नहीं कर पाएगा और बेरोजगारी को भी कोई कम नहीं कर पाएगा आबादी बढ़ेगी बेरोजगारी बढ़ेगी पहले भी लोग बेरोजगार थे बहुत लोग बेरोजगार थे कांग्रेस के समय में हम लोग उदाहरण है साक्षात बैठे हुए हैं रोजगार का संबंध हाथ से है अगर आपके पास हाथ है तो आप काम करिए सरकारी नौकरी को ही लोग रोजगार मानते हैं काबिलियत भी नहीं है किसी के अंदर सभी लोग नकल मार के पास हुए हैं किसी का टेस्ट ले लीजिए तो पांचवी क्लास के बच्चे के बराबर भी ज्ञान नहीं है और उनको सरकारी नौकरी चाहिए गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र लोगों ने मतदान कर लिया है चार जून को फैसला हो जाएगा लेकिन गाजीपुर सीट की अगर बात करें बहुत सारे पत्रकारों ने ग्राउंड से रिपोर्टिंग की लेकिन हम जिस गांव में है यह क्षेत्र गाजीपुर का है युवराजपुर का यह गांव है लोगों ने किस मुद्दे पर रोट किया गांव के लोग बेहतर तरीके से उसे बता पाते हैं रोजगार की बात हुई महंगाई की बात हुई लेकिन आखिर लोग कितने खुश हैं अगर मैं आपसे कहूं अफजाल अंसारी जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है सपा ने उनको टिकट दिया था तो दूसरी ओर एनडीए की ओर से बीजेपी ने पारस राय को टिकट दिया था जो कि एक नया चेहरा कहे जा रहे हैं लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने गाजीपुर जिले में आकर गाजीपुर की राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया हमारे कैमरामैन थोड़ा सा पास आ जाए हम जानेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतदान किया मैं बब्बन सिंह जी हैं सर अगर चुनाव की बात करें आपने किस मुद्दे पे मतदान किया हमने राष्ट्रवाद भ्रष्टाचार और विकास के नाम पर वोट किया है विपक्ष जो है इसका विलोम है इन चीजों से उसका कोई नाता ही नहीं है इसलिए हम लोगों ने भाजपा को ही उचित समझा और इसको वोट किया अगर हम महंगाई की बात करें बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है राशन ये दे रहे हैं और कुछ नहीं किया विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी क्रय शक्ति बढ़ रही है आदमी की जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो महंगाई निश्चित है कि बढ़ेगी जो लोग पहले गरीब थे बहुत सस्ताई थी लोग कहते हैं लेकिन खाने को नहीं मिलता था तो आदमी की जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी और हर सरकार में बढ़ेगी कोई इसको कम नहीं कर पाएगा और बेरोजगारी को भी कोई कम नहीं कर पाएगा आबादी बढ़ेगी बेरोजगारी बढ़ेगी इतनी नौकरी कहाँ से आएगी सरकारी सेक्टर में पहले भी लोग बेरोजगार थे बहुत लोग बेरोजगार थे कांग्रेस के समय में हम लोग उदाहरण है साक्षात बैठे हुए हैं कांग्रेस के समय से ही बेरोजगार है आज तक बेरोजगार बुढ़े बेरोजगार हो गए अगर सर हम आपसे कहें तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे पारस राय जी भी थे उमेश जी भी थे सीधा मुकाबला लोग कह रहे हैं पारस राय जी बनाम अफजाल अंसारी के बीच था तो आप कहाँ देखते हैं अफजाल अंसारी के अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है झूठ मूठ का लोग कहते हैं अरे जिस पार्टी से संबंधित है उस पार्टी की सरकार बननी ही नहीं है पांच साल रहे हैं क्या किए हैं कोई पूछता है तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी तो हम क्यों ऐसे आदमी को वोट दें जिसकी सरकार ही नहीं बनेगी जो सरकार में रहेगा वो काम करेगा भाजपा की सरकार बनी थी मनोज सिन्हा थे मंत्री बने यहाँ पर काम हुआ है वास्तविकता तो यही है लेकिन रोजगार की भी बात हुई जहां तक आप लगातार देखती भी हैं युवाओं को देख रहे हैं क्या रोजगार नहीं दिया बीजेपी ने लोग कहते हैं इस पे चुप है रोजगार का संबंध हाथ से है अगर आपके पास हाथ है तो आप काम करिए सरकारी नौकरी को ही लोग रोजगार मानते हैं सरकारी नौकरी तो सीमित है कहाँ से सबको रोजगार मिलेगा कोई काम करना नहीं चाहता है सब चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हमको मिले और काबिलियत भी नहीं है किसी के अंदर सभी लोग नकल मार के पास हुए हैं किसी का टेस्ट ले लीजिए तो पांचवी क्लास के बच्चे के बराबर भी ज्ञान नहीं है और उनको सरकारी नौकरी चाहिए हर राज्य में बेरोजगारी थी और रहेगी ही आबादी इतनी बड़ी है कि कहाँ से नौकरी मिलेगी गाजीपुर की अगर सर लोकसभा की बात करें तो यहाँ का जो समीकरण है कहाँ देख पा रहे गाजीपुर लोकसभा में मेंसराय को जीतना ही चाहिए अगर नहीं जीतते हैं तो ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है पांच बरस तो वैसे ही लोग धोखा खाए हैं। अगर चेते नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है हम आपसे कहें अफजाल अंसारी को लोग मसीहा कहते हैं मसीहा किस चीज के हैं है अरे गड्ढा खोद के और बगल में ऊंचा कर देना ये तो कोई बात नहीं कि किसी को लूट करके और किसी को दान कर दो और उससे फायदा लो वो अपना बढ़ाओ तो ये तो बिजनेस ना हो गया मसीहा कहाँ से हो गया धंधा है ये तो सर सरकार किसकी बन रही है सरकार तो भाजपा की ही बनेगी निश्चित बनेगी विपक्षी का सरकार बनने का कोई कारण ही नहीं दिखाई देता है इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर जोड़ बटोर के बना भी लिए तो कितना दिन चलेंगे ये लोग फिर भाजपा को ही लाना पड़ेगा इससे अच्छा है कि लोग भाजपा की सरकार बनाए और बन भी रही है तो मोदी जी आ रहे हैं तीसरी बार बिल्कुल आएंगे और भी लोग हैं हम बात करते हैं आपका नाम क्या है? छेदी राम मतदान किया भाजपा को मोदी जी को मोदी जी को ही किया हाँ भाज़पा भाज़पा मो, हाँ तो मोदी जी ठीक है गाजीपुर से कौन आ रहा है बस वही भाजपा आ रहा है भाजपा अच्छा हाँ। किस मुद्दे पे छेदी जी मतान हुआ अरे मुद्दा का जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं मोदी जी तो बीजेपी हाँ। आएगी हाँ हाँ बीजेपी आएगी सरकार किसकी बन रही है बीजेपी का बनेगा का और क्या और तो सरकार बीजेपी की बन रही है ग्राउंड से अगर मैं कहूँ जो गाँव के लोग बता देंगे चुनाव के बारे में वो कोई बता ही नहीं सकता युवराजपुर का गाँव है और एक मैं सिद्धपीठ मंदिर भी आपको दिखा रहा हूँ जो कि श्रीनाथ बाबा का ये मंदिर है और अभी यहाँ से मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ एक बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है बहुत सारे नेता भी यहाँ पे आते हैं और आके अगर यहाँ पे बहुत सारे नेताओं ने अपने माथा भी टेका जीत भी अर्जित की कहीं और हम आपको दिखाएंगे लोकसभा में लोगों का रुझान माहौल आखिर गाजीपुर में कौन जीत रहा है और किसकी सरकार बन रही है